गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, आइए हम अपना लेसन द लॉस्ट चाइल्ड कल से आगे पढ़ते हैं। कल हमने देखा था कि उसके पापा और मम्मी उसे सरसों के खेत से गुजर रही एक पतली पगडंडी से मेले की ओर लेकर जा रहे थे। एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वो मेले वाले गांव के पास पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स, बच्चे को और बहुत सारे रास्ते दिखाई दिए, फुल ऑफ थ्रोंग्स, लोगों की भीड़ से भरे हुए, कन्वर्जिंग, वो सारे रास्ते मिल रहे थे, कन्वर्ज कर रहे थे, मिल रहे थे टू द वर्ल्ड पूल ऑफ द फेयर, मेले के भंवर में, मेले के बवंडर में, एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, छोटे बच्चे को एक साथ दो अनुभव हुए, वो उस मेले से बचना भी चाहता था, डरता भी था और उसकी तरफ आकर्षण भी महसूस कर रहा था, मेले में जाने का मन भी था और डर भी लग रहा था। बाई द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंट्रिंग, डर लग रहा था उस कन्फ्यूज़न से, उस भीड़ से जिसमें कि वो अब जाने वाला था, एंटर करने वाला था। अ स्वीट मीट सेलर हॉट, एक मिठाई वाला आवाज़ें लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड ए क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, मेले के शुरुआत में ही एक कोने पर ये मिठाई वाला ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा था, हॉकिंग कर रहा था और एक भीड़ उसकी दुकान के ऊपर लगी थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, रंग बिरंगी मिठाइयों के आसपास लोग भीड़ लगा कर खड़े थे। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, उसकी मिठाइयाँ सिल्वर और गोल्ड, चांदी और सोने के पत्र से जड़ी हुई थी, सजी हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आईड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, बर्फी को देखकर बच्चे का मुंह पानी से भर गया और फटी आँखों से वो बर्फी को देखने लगा। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, ऐसा क्यों? क्योंकि बर्फी उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई थी, फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, वो धीरे से बड़बड़ाया, बुदबुदाया कि मुझे बर्फी चाहिए। बट द ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, लेकिन उसे पता ही था कि उसकी जो रिक्वेस्ट है, उसकी जो ये प्ली है, निवेदन है, मिन्नत है, वो सुनी नहीं जाएगी, वुड नॉट बी हीडेड, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसके मम्मी पापा उसे अनसुना कर देंगे। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, पेरेंट्स कहेंगे कि तुम्हारी नीयत खराब है, तुम लालची हो, लोभी हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए उसने अपने मम्मी पापा के प्रतिउत्तर का, रिस्पॉन्स का इंतज़ार भी नहीं किया और आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हॉट, आगे एक फूलों वाला आवाज़ लगा रहा था। अ गारलैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबली ड्रॉन, बच्चा उसकी तरफ भी खींचा जा रहा था, बच्चे को वो फूलों की माला भी आकर्षित कर रही थी, उसकी तरफ जाए बिना भी वो नहीं रह पा रहा था, इररेजिस्टिबल, उससे रुका नहीं जा रहा था। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, वो उस टोकरी की तरफ गया जिसमें फूलों का ढेर लगा था और धीरे से बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गारलैंड, मुझे माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, लेकिन उसे पता था कि मम्मी पापा उसे वो फूल भी खरीदने के लिए मना कर देंगे और कहेंगे कि ये तो सस्ते फूल हैं, चीप हैं, बेकार हैं।
सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। अभी भी बच्चे ने कोई इंतज़ार नहीं किया उत्तर का मम्मी पापा की तरफ से और आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with a yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक आदमी एक पोल पर, एक बैम्बू स्टिक पर, एक बांस के डंडे पर पीले, लाल, हरे और पर्पल रंग के बैलून लटकाए हुए खड़ा था। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे by the rainbow glory of their silken colors. बच्चा इन सतरंगी रंग बिरंगे इंद्रधनुष के रंगों वाले गुब्बारों की तरफ, सिल्की कलर्स के गुब्बारों की तरफ अचानक ही खींचा चला गया। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू परचेस देम ऑल। और उसके भीतर उन सब को पा लेने की, उन सब को हासिल करने की, पजेस करने की लालसा जाग उठी। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स। लेकिन उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके पेरेंट्स ये बैलून भी उसे खरीद कर नहीं देंगे, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि वो अब बहुत बड़ा हो गया है, ऐसे खिलौनों से खेलने लायक अभी नहीं है, अब वो गुब्बारा खेलने वाले बच्चों की उम्र से बड़ा हो गया। सो ही वॉक्ड ऑन फार्दर, इसीलिए वो आगे बढ़ गया। सो अप टू नाउ वी हैव सीन द चाइल्ड इज़ अट्रैक्टेड बाय मैनी थिंग्स। अब तक हमने देखा कि बच्चा कई चीज़ों से आकर्षित होता है, बर्फ़ी से आकर्षित होता है, गुब्बारों से आकर्षित होता है और खिलौनों से आकर्षित होता है, कई तरह के खिलौने रास्ते में देखता है, फूलों की माला से आकर्षित होता है, लेकिन जानता है कि उसके मम्मी पापा ये सब उसे नहीं दिलाएंगे, इसलिए बिना किसी तरह की के उत्तर की प्रतीक्षा किए वो आगे बढ़ता है।